सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक होगा आप सबका एक और नए वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टॉप 10 ऑफलाइन गेम्स के बारे में। हाँ भाई, कुछ बढ़िया बढ़िया वाले ऑफलाइन गेम्स इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए यार वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अच्छी तरीके से वॉच कर लेना। और अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी ही और वीडियोस के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो यार बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं नंबर 10th वाले गेम के बारे में, जिसका नाम है लडा 2107 कार सिमुलेटर। हाँ भाई, ये गेम का नाम है ना थोड़ा अजीब है, लेकिन भाई गेम सबसे बेस्ट है। बेसिकली इसे है ना तुम GTA San Andreas का फैन मेड गेम समझ लो, क्योंकि इसके अंदर आपको GTA San Andreas का पूरा मैप देखने को मिल जाता है। बेसिकली इस गेम के अंदर आप अलग अलग कार्स को वगैरह लेकर यहाँ पर घूम पाओगे, पूरी GTA San Andreas की सिटी को एक्सप्लोर कर पाओगे। और इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये GTA 5 का मतलब GTA San Andreas का फैन मेड गेम है तो इसका साइज भी भाई उतना ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बात करें हम इस गेम के साइज के बारे में, जो कि होने वाला है ओनली 73 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 9th वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है जोकर शो। हाँ भाई, ये गेम को है ना बिल्कुल ग्रैनी के जैसा ही समझ लो, क्योंकि भाई वैसा ही सेम टू सेम इसके अंदर कॉन्सेप्ट होने वाला है। बस इस गेम के अंदर के जो ग्राफिक्स वगैरह है ना वो आपको ग्रैनी गेम से भी एकदम अच्छे देखने को मिल जाएंगे। और जहां पर आपके पीछे ग्रैनी लगती है ना, तो इसके अंदर आपको एक हॉरर जोकर आपके पीछे पड़ जाएगा। एंड इसके अंदर भी आपको बहुत सारे पजल्स वगैरह को सॉल्व करना है, बहुत सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करना है एंड गेम के अंदर आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। एंड जैसे ही आपको भाई यहाँ पर बीच में हरकत कर देते हो तो आपके पीछे जोकर लग जाता है। तो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा गेम है, तो चाहो तो इस गेम को ट्राई कर लेना। बात करें हम इस गेम के साइज के बारे में, वो होने वाला है 114 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 8th वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है वेस्टी वाइल्ड। हाँ भाई, ये गेम को है ना आप यहाँ पर RDR2 का फैन मेड गेम ही समझ लो, क्योंकि भाई वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम ये गेम होने वाला है। इसके अंदर भी भाई आप RDR2 की तरह हॉर्स वगैरह को चला सकते हो, गन से फायर कर सकते हो एंड इसके अंदर आपको एक ओपन वर्ल्ड सिटी देखने को मिल जाती है, ठीक है। मतलब डेजर्ट वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह सब कुछ रहता है भाई इस मैप के अंदर। तो भाई काफी ज्यादा आपको बिल्कुल RDR2 का ही यहाँ पर फील देने वाला है एंड आप इस गेम को अपने मोबाइल पर खेल सकते हो। एंड इसके अंदर भी आपको बहुत सारे अलग अलग टास्क, अलग अलग मिशंस को कंप्लीट करना है एंड इसके अंदर भाई आपको जाकर एनिमीज को वगैरह मारना है। भाई अलग अलग टाइप के टास्क वगैरह इस गेम के अंदर आपको दिए जाते हैं एंड गेम के ग्राफिक्स भी भाई बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, बिल्कुल RDR2 के जैसे ही भाई सिमिलर ग्राफिक्स का सपोर्ट है। तो भाई चाहो तो इस गेम को ट्राई कर लेना। बात करें हम इस गेम के साइज के बारे में, जो कि होने वाला है 292 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 7th वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है द साइलेंट मिस्ट्री। हाँ भाई, ये गेम है ना आपको यहाँ पर हॉरर भी देखने को मिल जाएगा प्लस सर्वाइवल भी देखने को मिल जाएगा, मतलब दोनों चीजें भाई एक ही गेम के अंदर है। बेसिकली ये गेम के स्टार्टिंग के अंदर आप एक एरोप्लेन के अंदर बैठकर जा रहे हो और वो प्लेन अचानक से क्रैश हो जाती है एंड क्रैश होकर भाई सीधा जंगल के अंदर जाकर गिर जाती है एंड आपके अलावा सारे के सारे पैसेंजर भाई जॉम्बी बन जाते हैं। आप यहाँ पर अकेले ही जिंदा बसते हो तो आपको कैसे ना कैसे करके भाई वो जंगल के अंदर सर्वाइव करना है एंड सारे के सारे जॉम्बीज भाई आपके पीछे पड़ जाएंगे यार अटैक करने के लिए। तो आपके डिफेंड के लिए, आपको बचाव के लिए भाई आपको यहाँ पर काफी सारे वेपन्स, गन्स को वगैरह क्राफ्ट करना है एंड भाई यहाँ पर जो आप जगह पर गिरे हो ना वो जगह से कैसे ना कैसे करके आपको निकलना है। तो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा भाई यहाँ पर स्टोरी लाइन वाला गेम है, तो चाहो तो इस गेम को ट्राई कर लेना। बात करें हम इस गेम के साइज के बारे में, जो कि होने वाला है 1.1 GB एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 6th वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है शैडो ऑफ डेथ 2। हाँ भाई, यहाँ पर शैडो ऑफ डेथ का पार्ट 2 आ चुका है। अगर आपको यहाँ पर शैडो फाइट जैसे गेम्स पसंद है ना तो भाई इस गेम को जरूर ट्राई करना, क्योंकि भाई ये एक बिल्कुल नया गेम है एंड इसके जो ग्राफिक्स वगैरह है ना भाई वो बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। बेसिकली इसके अंदर आपको कमाल कमाल के मूव्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं एंड अलग अलग वेरियर्स भी देखने को मिल जाते हैं जिनसे आपको फाइट करना पड़ेगा एंड आपको यहाँ पर अलग अलग एबिलिटीज होती है, स्पेशल एबिलिटीज भी होती है। तो भाई गेम को खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है यार, इसके अंदर आपको आगे बढ़ते हुए काफी अलग अलग मॉन्स्टर से फाइट करते हुए आगे बढ़ना होता है एंड भाई गेम सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। बात करें हम इस गेम के साइज के बारे में, जो कि होने वाला है 344 MB एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 5th वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है ट्रक सिमुलेटर प्रो USA। हाँ भाई, अगर आपको एक सबसे बेस्ट ट्रक गेम चाहिए तो भाई आप इस गेम को जरूर खेलना, क्योंकि
कि इसके अंदर की जो ग्राफिक्स है ना भाई, वो सच में यार बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं भाई, एकदम रियलिस्टिक ग्राफिक्स का सपोर्ट है। प्लस इसके अंदर आपको एक ओपन वर्ल्ड मैप मिलता है, जिसके अंदर आपको फॉरेस्ट एरिया, विलेज एरिया, सिटी एरिया, मतलब सब कुछ मिलता है भाई इसके अंदर। प्लस इसके अंदर की जो ट्रक्स है ना, वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। एंड इस गेम के अंदर भाई फिजिक्स भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। एंड इस गेम के जो ग्राफिक्स है ना, वो आप अपने हिसाब से कम या फिर ज्यादा भी कर सकते हो। एंड इस गेम के अंदर भी आपको एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर भाई गुड्स वगैरह सप्लाई करना होगा। एंड भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक फील आता है भाई जब आप यहाँ पर ट्रक्स को वगैरह चलाते हो। तो चाहो तो भाई इस गेम को भी ट्राई कर लो। बात करें हम इस गेम के साइज के बारे में, जो कि 1 GB के अराउंड होने वाला है। एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हमारे लिस्ट के नंबर 4th वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है लॉस्ट वर्ड्स। हाँ भाई, इसके अंदर है ना बेसिकली भाई ये बहुत ही ज्यादा एक कमाल का स्टोरी लाइन वाला गेम होने वाला है। मतलब जिसको जिसको भाई स्टोरी बेस्ड गेम पसंद है ना भाई, वो बंदे इस गेम को जरूर खेलना। मतलब इस गेम की यार स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा कमाल की है। इसके अंदर भाई इस गेम को आपको कैसे ना कैसे करके एंड करना है। एंड बीच बीच में भाई बहुत सारे इसके अंदर आपको मिस्ट्रीज, पजल्स वगैरह सॉल्व करने को मिलते हैं। एंड भाई गेम यार सच में यार बहुत ही ज्यादा दिमाग से खेलने वाला एंड इंटरेस्टिंग सा गेम है। तो भाई चाहो तो इस गेम को ट्राई कर लेना। बात करें हम इस गेम के साइज के बारे में, जो कि होने वाला है 442 MB। एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 3rd वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है डार्क रिडल 2। हाँ भाई, बेसिकली है ना ये बहुत ही ज्यादा एक कमाल का स्टोरी लाइन गेम होने वाला है। देखो यार बेसिकली है ना, इसके अंदर आपको बहुत सारे टास्क वगैरह कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे कि देखो, एक टास्क होता है कि आपको रूम खोलकर वहां से बुक लेना है, लेकिन भाई वो रूम की चाबी है ना आपके नेबर के घर में रखी होगी, मतलब आपके घर के बाजू जिसका घर होता है ना उसके अंदर वो चाबी रखी होगी। तो आपको धीरे धीरे करके उनके घर में घुसना है एंड वो चाबी को कैसे ना कैसे करके वहां से लेना है। लेकिन अगर वो घर वालों ने आपको देख लिया ना, तो भाई वो पकड़ के आपको कूट देंगे भाई। तो ऐसे करके आपको बसते बसते बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क करने होंगे। तो भाई गेम सच में यार बहुत ही ज्यादा कमाल का है। एंड इसके ग्राफिक्स तुम देख सकते हो यार, बिल्कुल कार्टूनिश टाइप के ग्राफिक्स हैं। एंड भाई गेम को खेलने में सच में यार बहुत ही ज्यादा मजा भी आता है, प्लस फन भी है इस गेम के अंदर। एंड बात करें हम इस गेम के साइज के बारे में, जो कि होने वाला है 123 MB। एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 2nd वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है मैड स्किल्स मोटोक्रॉस 3। हाँ भाई, बेसिकली है ना ये यहाँ पर बाइक रेसिंग गेम होने वाला है, जो कि यार बहुत ही ज्यादा कमाल का है। मतलब इसके अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर डर्ट बाइक देखने को मिल जाते हैं, जिसको आपको यहाँ पर लेकर काफी सारे यहाँ पर बंदे होते हैं, ठीक है, मतलब ऑनलाइन प्लेस नहीं होते भाई, ऑफलाइन ही होते हैं, उनके साथ आपको यहाँ पर रेस करना है एंड फर्स्ट पोजिशन पर आने की ट्राई करना है। एंड भाई यहाँ पर रास्ता बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पर गड्ढे वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जहां से आपको गाड़ियों को कुदाते हुए उड़ाते हुए ले जाना होता है। तो भाई काफी इंटरेस्टिंग सा गेम है, जिसको जिसको भाई यहाँ पर डर्ट बाइक रेसिंग वाले गेम्स पसंद है ना, तो भाई वो बंदे इस गेम को जरूर ट्राई करना। बात करें हम इस गेम के साइज के बारे में, जो कि होने वाला है 135 MB। एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है रिफ्ट रैप्चर। हाँ भाई, ये है ना बहुत ही ज्यादा एक कमाल का गेम है, जहां पर आप एक घर के अंदर फंस जाते हो, जो कि भाई फुल्ली ज़ॉम्बीज से भरा होता है। मतलब हर जगह भाई ज़ॉम्बीज वगैरह होते हैं, ठीक है, एंड आपके पास यहाँ पर पिस्तौल्स होते हैं, जिनका यूज करके आपको उन ज़ॉम्बीज को मारना है। एंड साथ साथ भाई आपको बहुत सारे पजल्स वगैरह भी सॉल्व करना है। मतलब जैसे कि ग्रैनी गेम में होता है ना भाई, आपको पजल्स वगैरह भी सॉल्व करना है एंड ग्रैनी से बच कर भी रहना है। बस भाई वैसा ही इस गेम का कॉन्सेप्ट होने वाला है, जहां पर आपको ज़ॉम्बीज से बच कर रहना है। और हाँ, अगर आपके ऊपर वो ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं, तो भाई आप बंदूकों से उनको मार भी सकते हो। तो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा ये भी गेम होने वाला है। एंड गेम का साइज भी भाई बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि बात करें हम इस गेम के साइज के बारे में, जो कि होने वाला है 84 MB। एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगा। तो यही थे यार आज वाली वीडियो के कुछ कमाल के गेम्स। आई होप भाई एक ना एक गेम आपको जरूर से पसंद आए होंगे। बाकी अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो यार क्या कर रहे हो यार, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो यार, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।